नमस्कार। आज जो शख्स हमारे बीच आए हैं बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उस्ताद वासिफुद्दीन डागर। डागर साहब, हम आपका नमन करते हैं, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आज हम सब शिक्षक गण आपके बहुत आभारी हैं कि हम आपसे बात कर पाएंगे। आपके घराने के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। हमारा घराना ध्रुपद का घराना है, चार वाणियाँ हैं, नौहार वाणी, गौहार वाणी, खंडार वाणी, डागर वाणी। वैसे हर वाणी वाला जो है पहले अपनी वाणी का नाम लेता, मैंने अपना चौथा नंबर पे लिया। लेकिन हमारी वाणी पे शुद्धता के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, शुद्ध उच्चारण और सुर किस तरीके, सुर का लगाव भी आपने डिफरेंटली आपने देखा होगा हम किस तरीके से लगाते हैं। तो वैसे तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के ही हैं, मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर, इस सहारनपुर, इस एरिया में ही हम लोग के पूर्वज रहे हैं। और मैं वो वहाँ तक तो मैं स्वामी हरिदास जी के टाइम से ही हम लोग का ये सिलसिला चलता आ रहा है। और उसके बाद तानसेन जी हमारे गुरु भाई लगते हैं, क्योंकि उनसे हम लोग करते आ रहे, हमारे बुजुर्गवार भी उस टाइम के ही थे। तो मुग़ल दरबार में भी रहे हैं, अकबर के दरबार में भी रहे हैं, और फिर मोहम्मद शाह रंगीले के टाइम पे कुछ चेंजेस भी आए हमारे, हम लोग ब्राह्मण थे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ लोग उसमें मुस्लिम हो गए और कुछ धीरे धीरे करते हुए ये हो गया। तो हमारे एक बाबा बैराम खां साहब हैं, जिन्होंने आलाप के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, और वो बाबा गोपाल दास जी के बेटे थे, शिष्य भी थे, और मोहम्मद शाह रंगीले के कोर्ट में वो थे। और उनको खोज का बहुत शौक़ था, और उनको इसलिए परमात्मा ने उनको उनकी आयु भी बहुत ज़्यादा दी, 120-21-22 बरस तक वो जिए थे। और परिकीर्ण अध्याय जो है, 7 अध्याय में से जो संगीत रत्नाकर में शारंगदेव जी की वो है, तो परिकीर्ण अध्याय जो है उसको प्रकरण अध्याय भी कहते हैं। तो प्रकरण अध्याय को या परिकीर्ण अध्याय को उन्होंने बहुत विश्लेषण किए, और उसमें फिर ये आलाप को, और सिर्फ आलापति जो एक वो किया जाता है, एक आलाप सिर्फ रूप दिखाने का आलाप है, एक को विस्तारिक आलाप है। तो आलाप का उन्होंने यही इसमें ही वो ओम अनंत तम तरण तारणी तम हरिओम नारायण अनंत हरिओम नारायण, तो उसके साथ उन्होंने बहुत रिसर्च की। और वो महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट में भी थे, और बहादुर शाह जफर सेकेंड जी, लास्ट वाले बहादुर शाह जफर थे, वो उनके भी दरबार में थे। जब 1857 में रंजीत सिंह और इन लोग के कोर्ट में, क्योंकि ये लोग तो सब गदर में जब हुए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अब ज़रा वातावरण दूसरा हो गया, आप अगर मतलब आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। तो फिर वो राजस्थान की तरफ फिर वो गए, तो पहले अलवर दरबार में गए बाबा, और फिर अब 120 की उम्र पाई थी, तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले आज का तो है नहीं मामला कि 5 घंटे में या 2 घंटे में या 24 घंटे में पहुंच जाए। तो बैलगाड़ियों में पूरा का पूरा वो सब लोग जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में भी वक्त लगता था। तो अलवर पहुँचे तो अलवर में वो 200 उनके स्टूडेंट साथ चलते थे उनके, तो उनके साथ 200 स्टूडेंट चलते थे। तो उन्होंने कहा महाराज उस्ताद हम इधर ये नहीं कर सकते, लेकिन आप जयपुर बड़ा राज्य है, उस तरफ आप देखिए। तो सवाई राम सिंह जी ने उनको खुद उन्होंने रिसीव किया जयपुर में, और फिर उन्होंने क्योंकि आयु इतनी थी कि उनके बेटों का भी देहांत हो गया, उनके भतीजों का भी देहांत हो गया, जो भी थे, तो उन्होंने अपने पोतों को भी सिखाया। तो 100 बरस के थे जब वो हमारे अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन खान साहब हमारे परदादा हैं, अल्लाह बंदे मेरे परदादा हैं सगे, और उनके बड़े भाई थे। तो वो फिर उधर उन्होंने वो किया, उन्होंने कई लोगों को सिखाया वहाँ पे। उनके बेटे जो थे सद्दू खान साहब थे, वो भी राजस्थान और इस साइड पे ही रहे। उनके पोते इनायत खान साहब,
इनायत खान साहब भी जयपुर में, जयपुर दरबार में रहे, और जयपुर दरबार के बाद फिर वो क्या जगह है ना, रामपुर स्टेट में भी वो गए। और अल्लाह बंदे खान साहब उदयपुर, अल्लाह बंदे खान साहब और जाकिरुद्दीन खान साहब उदयपुर स्टेट में उन बाबा के देहांत में के बाद फिर वो उधर चले गए, और एक अलवर में, फिर बाद में अल्लाह बंदे खान साहब अलवर में आ गए। मेरे दादा नसीरुद्दीन खान साहब होलकर स्टेट में थे। तो हम लोग कोई 200-250 साल से राजस्थान में ही हैं। तो मेरे जो परदादा थे अल्लाह बंदे खान साहब थे, जो पहले उदयपुर में थे, फिर उसके बाद अलवर राज्य में थे, और उनके बेटे हुसैनुद्दीन खान साहब, जो मेरे नाना भी, सगे नाना भी हैं लगते हैं, वो भी अलवर स्टेट में थे, कोर्ट म्यूजिशियन थे। उनका नाम तानसेन पांडे था। तानसेन पांडे वो उन लोग महाराजा अलवर का एक अलग ही किस्से कहानियाँ सुनी है ना, वो रोल्स रॉयस की सुनी है, अरे वो सब उनका। तो जाके अगर अकबर के दरबार में तानसेन थे तो मेरे पास भी तानसेन पांडे हैं, वैसे वो पुल मेरे दरबार में भी तानसेन पांडे हैं। तो उनका उपाधि हुसैनुद्दीन डागर साहब की ये हो गई थी। और अल्लाह बंदे खान साहब के बड़े बेटे नसीरुद्दीन खान साहब जो होलकर स्टेट में थे, और फिर उनके चार बेटे हुए, मोइनुद्दीन, अमीनुद्दीन, जहीरुद्दीन, फयाजुद्दीन। तो मैं फयाजुद्दीन खान साहब का बेटा हूँ, और उनके तीसरे बेटे थे इमामुद्दीन खान साहब, जो जयपुर में थे, पहले उदयपुर स्टेट में थे, फिर जयपुर में आ गए थे। वनस्थली में उन्होंने बहुत दिन पढ़ाया, और जयपुर में भी, जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे। और हुसैनुद्दीन खान साहब के लिए बता ही दिया। रहीमुद्दीन खान साहब भी वहाँ पे लखनऊ में भी उन्होंने बहुत सिखाया, और होलकर स्टेट में भी थे। मेरे दादा के देहांत के बाद नसीरुद्दीन रहीमुद्दीन खान साहब वहाँ पे आ गए थे। उनके बेटे रहीमुद्दीन खान साहब, शायद उनके भी कई रिकॉर्डिंग्स वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हैं। और जाकिरुद्दीन खान साहब के बेटे थे जियाउद्दीन खान साहब, जो उदयपुर में ही रहे, और वो बीन भी जानते थे। और जब बंदे अली खान साहब का नाम सुना है, बंदे अली खान साहब बीन का, तो बीन बीन हमारे यहाँ उनकी तरफ से आई है। और बंदे अली खान साहब वैसे बाबा बहराम खान साहब के भांजे थे, मैटरनल अंकल थे, और वो ससुर थे उनके अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन खान साहब के। तो हमारे पास बीन उनके थ्रू आई है। तो जो बाहुद्दीन बजाते हैं, जियाउद्दीन खान साहब भी बजाते थे, जिया मोहीउद्दीन खान साहब भी बजाते थे। उनके जियाउद्दीन खान साहब के चार बेटे थे, दो ने संगीत किया, दो ने नहीं किया। इसी तरीके से इमामुद्दीन खान साहब के भी बेटे चार हुए, उन्होंने म्यूज़िक नहीं किया, लेकिन उनकी एक पोती कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लगी हुई है। तो यही थोड़ी बहुत वो कहानी है। मैं सबके बारे में बताना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा उसके बारे में। लेकिन आपकी इन सब बातों से ये हमें पता लगता है कि आपके परिवार का संगीत जगत में बहुत बड़ा योगदान है, और कोई भी वाद्य यंत्र, कोई भी गायकी जो आज हम 300-400 साल से यहाँ तक बरकरार हुई है, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया। और मैं, हम लोग अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि हम भी इस तरह से ही इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से आपने संगीत को संजो के हमारे सामने पेश किया है, हमारे बच्चे भी इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तभी ये परंपरा रहेगी। क्योंकि कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट या प्रदर्शन कला, जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाती है, तभी ही वो आगे बढ़ती है। गुरुमुख विद्या भी कहा गया है, हाँ गुरु के मुख से निकली हुई विद्या है, वही आपके है। इसको उर्दू में सीना ब सीना सीखना, मतलब उनके सामने बैठ के सीखे। तो मठों में भी इसी तरीके से ही सिखाया जाता था, घरानों में भी इसी तरीके से सिखाया जाता था। घरानों के ही थ्रू तो आया है। अब
अब ये अब आप लोग को भी जो जो भी प्राप्त हो रहा है, कोई किसी ना किसी घराने के तो है ही ना, जिन जिनसे आपने सीखा होगा। अब आपका भी वही घराना है, हो ही गया है। तो स्टूडेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स। रिस्पेक्ट करेंगे आप, आदर करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, तो आपको भी आदर सम्मान होगा।